हेलो गाइज, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं ब्लेड एक्स वाई जी। गाइज, आज हमारे पास में है इंडिया की सबसे बड़ी फूलझड़ी, जो कि इस डब्बे के अंदर है। और ये जो है 5 फूलझड़ी का पैकेट है। ये इतना बड़ा जो है फूलझड़ी का पैकेट है, देखने में लगता है कि रॉकेट वगैरह का है, लेकिन अगर हम इसको खोलते हैं तो आपके सामने आती है, आप खुद ही देखिएगा, इसके अंदर है 5 फूलझड़ी जो कि यहाँ पर है। और काफ़ी हैवी है ये। और अगर मैं आपको एक फूलझड़ी इसके अंदर से निकाल करके दिखाऊं तो इसकी लेंथ आप देख सकते हैं। और इसकी अगर कीमत की बात करें तो ये आपको मिलेगी लगभग 80 से 100 रुपए की एक फूलझड़ी। वैसे डब्बे आ जाते हैं कई उतने में, और यहाँ पर जो है सिर्फ एक है। तो हम इसको जला करके देखेंगे कि कितना टाइम है इसका, कितनी देर तक ये जलने वाली है, और क्या 100 रुपए में ये खरीदना सही है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए, और ब्लेड एक्सपर्ट की एक और वीडियो का मजा लीजिए। यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अपनी जो स्टॉप वॉच है वो आप देख सकते हैं स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर लगभग 5 सेकंड हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं जो हमारी फूलझड़ी है वो जलना स्टार्ट हो गई है। गाइस, जो फुलझड़ी है वो अब थोड़ी सी बची हुई है, और इसको 2 मिनट 27 सेकंड से ऊपर का टाइम हो गया है, यानी कि लगभग 2.5 मिनट तक हो सकता है ये जल जाए। 2.5 मिनट हो गया है, और मुझे नहीं लगता कि आपने कभी 2.5 मिनट तक कंटिन्यूसली जलती हुई एक फुलझड़ी देखी होगी। तो अपने आप में देखिए कितनी बड़ी है यार ये। हाँ, लगभग लगभग 2-2.5 फीट की होगी सिर्फ एक फुलझड़ी, और प्राइस की बात करें तो वो भी कई डब्बे के बराबर है। तो 2 मिनट 50 सेकंड हो चुके हैं 52, और अब जो फुलझड़ी है शायद 3 मिनट नहीं कर पाएगी, पूरे 57 हो गए हैं। और बिल्कुल जो है 3 मिनट के ऊपर एग्जैक्टली जो फुलझड़ी है वो बंद हो गई है। अब जो है ये बुझ चुकी है, लेकिन काफ़ी गर्म होने वाली है ये, तो इसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहता। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका जो बचा हुआ मटीरियल है वो बन गया है। तो गाइस, अब हमारे पास में बच गई है 5 की जगह पर 4 फुलझड़ियाँ, और एक जो है इसमें से हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, ताकि ये जो है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रुक जाएगी इसमें फंस करके। और इसके ऊपर जो है हम आग लगाएंगे बार फिर से। और अब जो है थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है। तो गाइस, यहाँ पर हमारी जो है स्टार्ट हो चुकी है फूलझड़ी, और यहाँ पर मैं स्टोव वॉच को जो है चालू कर देता हूँ। तो और जो नीचे जो फूलझड़ियाँ हैं इनको भी हमें जो है हटा लेना चाहिए यहाँ से, तो जो है ज़्यादा सेफ रहेगा ये। तो अब आप देख सकते हैं जो फुलझड़ी है वो यहाँ पर चल रही है एकदम बढ़िया से। और गाइस, साथ ही साथ में यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको लग रहा होगा कि कोई जानवर जो है, कोई कीट पतंगा उड़ रहा है, लेकिन ये जो है सिर्फ इसका रिफ्लेक्शन है। मैं जिस भी तरफ मूव करता हूँ लेंस को, और उसी तरफ जो है ये भागने लगता है। तो ये एक नई चीज़ आई है इसके सामने निकल करके। देखिए, अभी जो है ये इस तरफ उड़ रहा है लेफ्ट साइड में, और अब जो है राइट में आ जाएगा। तो फूलझड़ी के साथ में एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिली अंधेरे में, तो इसको मुझे दोनों साइड करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यार ये चीज़ जो है मैंने पहली बार देखी है, किस तरीके से जो है जल रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्शन आ रहा है इस फुलझड़ी का ही। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई कोई कीट वगैरह है, कोई छोटा मोटा जो है जानवर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसी का रिफ्लेक्शन है। तो अब जो है हमारी फुलझड़ी को यहाँ पर जलते हो चुके हैं भाई 2 मिनट 8 सेकंड 2 मिनट 9 सेकंड आप देख सकते हैं, और फूलझड़ी जो है एकदम बढ़िया से अभी तक चल रही है। और गाइस, इस फूलझड़ी की जो रोशनी है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, आप देखेंगे तो बिल्कुल रात हो चुकी है, और इधर पे भी अगर आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है अच्छे से रोशनी हो रखी है, और जो मोमबत्ती है वो तो बुझी रखी है। सिर्फ इस एक ही फूलझड़ी से इतनी रोशनी हो रखी है, तो यार एक लाइक ज़रूर से बनता है इस चीज़ के लिए। इतनी बड़ी ये जो है
फुलझड़ी है। और तो अब जो है लगभग खत्म होने वाली है, टाइम देख लेते हैं एक बार फिर से। टाइम हो चुका है 3 मिनट 5 सेकंड, यानी कि पिछली बार से भी ज्यादा ये वाली जो है चल चुकी है, तो इसका टाइम ज्यादा है। और अब जो है ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, लगभग जो है इसके एंड के ऊपर ये पहुंच चुकी है, आप देख सकते हैं। और भाई बंद होने वाली है बिल्कुल। और अब जो टाइम है वो है 3 मिनट 23 सेकंड के आसपास। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ब्लेड एक्सपीजी को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।